क्या आपने कहा था ना पास हो गया तो बाइक दिलवाएंगे। हाँ तो आपके पैसे बच गए। तू फिर से फेल हो गया। नहीं रे पापा, वो स्वीटी है ना स्वीटी, उसका बाप मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बोलता है वो मुझे अपना घर जमाई बनाएगा और बाइक भी देगा। अरे यार रिजल्ट में कितने आए? 40%। मगर मार्कशीट पर 20% लिखे हैं। बाकी के 20% आधार कार्ड लिंक होने पर सीधे अकाउंट पे आएंगे। मगर तेरे इतने गंदे मार्क्स आए कैसे? पता नहीं, मैंने तो सही जवाब लिखा मगर टीचर ने सारे जवाब के मार्क्स काट दिए। ऐसे कौन से सवाल थे? टीपू सुल्तान कौन से युद्ध में मारे गए? तूने क्या लिखा? अपने आखिरी युद्ध में द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ साइन किया गया था? तूने क्या लिखा? कागज के अंत में डिवोर्स होने का असली कारण क्या है? तूने क्या लिखा? शादी। गंगा कौन से स्टेट में बहती है? तूने क्या लिखा? लिक्विड स्टेट। महात्मा गांधी कब पैदा हुए थे? क्या लिखा? अपने जन्मदिन में आप 8 आमों को 6 जनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? क्या लिखा तूने? मैंगो शेक बना के। इंडिया में सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है? क्या लिखा तूने? बिस्की के ग्लास में। हिंदू लॉ दूसरी शादी करने की परमिशन क्यों नहीं देते? क्या लिखा तूने? बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20(2) के अनुसार एक ही जुर्म के लिए एक ही आदमी को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। जा इंक पैड लिया, अंगूठा लगाना है। पापा आप तो पढ़े लिखे हो, फिर ये अंगूठा क्यों लगा रहे हो? आराम खो, तेरे इतने गंदे मार्क्स देखकर टीचर को कहीं ये ना लगे कि तेरा बाप पढ़ा लिखा है। Several days later. नैतिक मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तो स्कूल नहीं जा रहा। आप ही तो बोल रहे थे कि एक जगह बार बार जाने से इज्जत कम हो जाती है।